देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि देश में ना तो BS4 वाहनों की बिक्री होगी और ना ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा भारत BS5 मानक वाले वाहन से बचेगा और सीधे ही BS6 मानक वाले वाहनों को अपनाया जाएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि BS4 गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी, जो कि एक हकीकत है, और वो आपकी अपनी गाड़ी कबाड़ नहीं होगी, वो गाड़ी होगी शोरूम पे बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी। तो इस पर जो अपडेट्स आई हैं, आज की सारी अपडेट वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली कार से जुड़ी वीडियो की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा था कि देश में BS4 वाली जो गाड़ियां हैं, ना तो उनकी बिक्री होगी और ना ही उनके रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इस तरीके के जो वाहन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं और उस प्रदूषण का खतरा मानव स्वास्थ्य को भी होगा। शीर्ष अदालत ने 27 मार्च के अपने आदेश के उल्लंघन पर नाराजगी भी जताई, जिसके जरिए इसने कोरोना वायरस लॉकडाउन हटने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर भारत में BS4 वाहनों की सीमित संख्या में बिक्री की 10 दिन के लिए अनुमति दी थी। 31 मार्च आखिरी तारीख थी। इसका जिक्र मैं अपनी पुरानी वीडियो में कर चुका हूं, जो फरवरी लास्ट में मैं आपके लिए लेकर के आया था। कोर्ट ने इस साल 27 मार्च को कहा था कि वे 25 मार्च को लागू हुए लॉकडाउन की वजह से बेकार गए 6 दिन की भरपाई के लिए न बिक सके BS4 वाहनों की 10% बिक्री की अनुमति दे रहा है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले BS4 मानक वाले वाहनों की बिक्री की समय सीमा 31 मार्च को तय कर दी थी कि इसके बाद नहीं बेचे जाएंगे 1 अप्रैल से। इसने ऐसे 1,05,000 दोपहिया वाहन हैं, 2,250 यात्री गाड़ियां हैं और 2,000 कमर्शियल व्हीकल हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन को भी मंजूरी दे दी गई थी। जो बिक तो गए लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हो पाया था, वो वाहन है ये। इसके पहले जब 2018 में ये आदेश दिया था तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि BS5 मानक को नहीं अपनाया जाएगा और BS4 मानकों को 1 अप्रैल 2020 से बंद कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में कह दिया था। और 2020 में गाड़ियां BS6 वाली ही बिकेंगी, भारत देश BS6 मानक को अपनाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हुए कहा कि ये उल्लेख चौंकाने वाला है कि 3 मई को लॉकडाउन हटने के बाद भी जब बिक्री हुई है और हमारे आदेश के अनुरूप इस अदालत को ये सूचित किए बिना कोई पंजीकरण नहीं हो सकता कि भारत में कितने वाहनों की बिक्री हुई है। BS4 वाहनों की बिक्री और उनके पंजीकरण की अनुमति नहीं है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि BS4 वाहनों की किसी बिक्री और पंजीकरण को अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 10% में से बेचे जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन इसकी अनुमति के बिना और अदालत द्वारा मार्च में दिए गए आदेश के अनुरूप विवरण जमा किए बिना नहीं हो सकता। पीठ ने कहा, इस अदालत द्वारा 27 मार्च को दिए गए आदेश के दूसरे हिस्से का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। 13 जून 2020 को अपूर्ण हलफनामा दायर किया गया है। पीठ ने कहा कि इस आदेश के पहले हिस्से का भी उल्लंघन हुआ है। अब इस पर जो अगली सुनवाई होनी है वो 19 जून को होनी है। अब इसके बाद मैं आपको BS6 वाहनों के बारे में जानकारी दूंगा। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ANS नाडकर्णी से इस बारे में सभी RTO से ब्यौरा एकत्र करने को कहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन हटने के बाद देश में कितने BS4 वाहन बिके हैं। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी वाहनों के लिए नए उत्सर्जन मानक BS6 को 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला कर लिया है। अब इनकी पहचान नंबर प्लेट में लगी हरी और ऑरेंज पट्टी से होगी। ग्रीन एंड ऑरेंज पट्टी जो उस पर लगी होगी उससे BS6 वाहनों की पहचान होगी। BS6 वाहन वैसे तो महंगे होंगे, लेकिन आपको इसका फायदा ये मिलेगा कि इन वाहनों से आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा दूसरा फायदा हमारी प्रकृति को होगा कि ये जो है प्रदूषण 70% तक कम करेंगे BS4 या BS3 वाहनों की तुलना में। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को वाहनों के नए उत्सर्जन मानक BS6 1 अक्टूबर से लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें बताया कि पेट्रोल CNG 4 पहिया BS6 वाहनों के नंबर प्लेट पर एक
सेंटीमीटर चौड़ी हरे रंग की पट्टी लगानी अनिवार्य होगी। डीजल वाहन में नारंगी रंग की पट्टी होगी। परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि निर्माता कंपनियों को वाहन में एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम फिट करना होगा जो डीजल वाहनों में 70% और पेट्रोल वाहनों में 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा। अब इससे होने वाले फायदे के बारे में बात करते हैं। इनमें रियल ड्राइविंग इमिशन RDI को भारत में पहली बार BS6 इंजन के साथ बाजार में लाया जाएगा। BS6 वाहन के लिए 93 ऑक्टेन वाले पेट्रोल की जरूरत होगी जो दिल्ली सहित देश के बड़े शहरों में मिलता है। BS6 वाहनों की इंजन की क्षमता बढ़ेगी, उत्सर्जन कम होगा, ईंधन क्षमता बढ़ेगी जिससे लोगों को अधिक माइलेज मिलेगा। पेट्रोल डीजल BS4 वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे। 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन को प्रत्येक 5 साल व व्यावसायिक वाहन को प्रत्येक 2 साल में फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। वाहनों का माइलेज बढ़ जाएगा। वाहन निर्माता कंपनियां माइलेज के दावे में फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगी। वर्तमान में हकीकत में वाहन उतना माइलेज नहीं देते हैं जितना कंपनियां क्लेम करती हैं। BS6 ईंधन क्षमता बढ़ाने से कार 4.1 लीटर में 100 किलोमीटर से अधिक का माइलेज देगी। परिवहन विशेषज्ञ SB सिंह का कहना है कि यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में कई साल पहले BS6 लागू हो चुका है, ये देश BS7 की ओर बढ़ रहे हैं। इससे शहरों के प्रदूषण में 40-50% तक की कमी आई है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मार्च में, उसमें सारी अपडेट्स मैंने आपको दी थी किस प्रकार जो डीलर्स हैं वो इस चीज़ों से बच सकते हैं और बचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो OKCAR247 YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।